तो भैया क्रिकेट के मैदानों से आपको एक अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच संडे के दिन खेला जाएगा। इससे पहले आज बात कर लेते हैं वीडियो पर कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ किन किन कैप्टन ने कौन कौन से रिकॉर्ड्स बनाए हैं और किस कैप्टन ने सबसे ज़्यादा मैचेस जीते हैं, चाहे वो सरफराज अहमद हो, वसीम अक्रम हो, वकार यूनुस हो या सलीम मलक हो। इन कैप्टनों से मेरे सबसे ज़्यादा मैचेस किस कैप्टन ने जीते हैं, आज इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो भैया वीडियो को मज़ीद डिस्कस करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो आपको डेली बेस पर मिलती रहे। तो भैया सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि साउथ अफ्रीका टीम वर्ल्ड कप की रेस से बाहर हो चुकी है। साउथ अफ्रीका अब वर्ल्ड कप का ख्वाब ना देखें क्योंकि साउथ अफ्रीका टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किसी भी सूरत नहीं कर सकती और पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल के ख्वाब देख सकती है, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। वो इसी सूरत में कर सकती है कि पाकिस्तान के नेक्स्ट जो आने वाले चार मैचेस हैं वो पाकिस्तानी टीम आसानी के साथ पूरे बड़े मार्जिन के साथ जीते और नंबर चार पर जो चार टीमें हैं उनकी हार की दुआ करें, छोटी टीम उसे अपसेट की दुआ करे। इसी सूरत में पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है। तो भैया अब आते हैं मेन मुद्दे पर पाकिस्तानी टीम के कैप्टनसी के हवाले से कि कौन सी टीम ने, कप्तान ने सबसे ज़्यादा मैचेस जितवाए हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ। अगर हम सरफराज अहमद की बात करें तो सरफराज अहमद ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ चार मैचेस की कैप्टनसी की है जिसमें दो मैचेस में उनको शिकस्त और दो मैचेस में फतह मिली है। और इसके बाद सलीम मलिक ने सात मैचेस में कैप्टनसी की है जिसमें चार मैच में फतह और तीन मैच में शिकस्त मिली है। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड सलीम मलिक के पास है। सलीम मलिक ने अपनी कैप्टनसी में पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा मैचेस जितवाए हैं। उम्मीद करते हैं कि सरफराज अहमद ये मैच जितवाकर अब सरफराज अहमद भी सलीम मलिक की फरिस्त में शामिल हो जाए। तो भैया इसी उम्मीद और इसी दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, किसी मिलता हूँ किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।